यूट्यूबर ने कदे सुपने च भी नहीं सोचा होगा कि उसका अपने कुत्ते नाल मजाक करना इतना महंगा पै जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी तक भी नौबत आ जाए। 21 मई को दिल्ली के यूट्यूबर गौरव शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पाई थी, जिसके विच वह अपने ही कुत्ते नूं हीलियम गैस के गुब्बारे नाल बन के उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो की लोगों ने काफी आलोचना की, जिस तो बाद पीपल फॉर एनिमल संस्था ने इसकी शिकायत की, जिस तो बाद पुलिस ने गौरव शर्मा नूं गिरफ्तार कर लिया। एक अपने पेट डॉग को हीलियम बैलून लगाकर उड़ा रहा है, तो इसके बारे में एक कंप्लेंट आया और उस पर केस रजिस्टर किया गया है। उसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के सेक्शन 11 के कई सेक्शंस लगे हैं, और उसके अलावा क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 188 IPC भी इस केस में लगाया गया है। केस रजिस्टर करने के बाद जो व्यक्ति उस वीडियो में दिखता है उसको अरेस्ट किया गया है। गौरव शर्मा नाम का 27 ईयर ओल्ड यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर एक अपना चैनल चलाता है, जो रिपोर्टेडली हैज़ मोर देन 40 लाख सब्सक्राइबर्स। ये वीडियो उसने 21 मई को बनाया था और अपने यूट्यूब चैनल पे डालने के लिए डाला है, उसने यूट्यूब चैनल के डालने के लिए बनाया था, और इसमें जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंप्लेंट एक एनजीओ से आया था, जो एनिमल वेलफेयर रिलेटेड एक एनजीओ है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट रिसीव हुआ। क्या सर उनके माता-पिता पर कोई कार्रवाई की जाएगी? चलो ठीक। अच्छा जैसे सर ये किस लिए डालता था ये वीडियो, क्या वजह क्या होती थी, इस तरीके से वीडियो क्यों बना के डालता था, बताया? वो यूट्यूबर है तो जिस तरह मैंने बताया यूट्यूब में चैनल है और वो मोर देन 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो अपना चैनल के पॉपुलैरिटी के लिए और जो वहाँ पे कंटिन्यूअस कंटेंट कुछ ना कुछ डालते रहते हैं यूट्यूबर्स, तो उसके लिए बनाया था ये वीडियो। गिरफ्तारी तो बाद गौरव शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को डिलीट किया है, ते इस तो बाद नवी वीडियो पोस्ट करके लोगों को माफी भी मांगी है। उन्हें बुरा लगा देख के, आप में से काफी लोग बोले सेफ्टी इश्यूज के बारे में, तो वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरे सेफ्टी मेजर लिए हैं और मैंने वीडियो में बोला है। एक्चुअली क्या है, कभी कभी हम बाहर के कंटेंट देखते तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे मैं किसी से इन्फ्लुएंस होता हूँ, यहाँ के इंडिया के लोग, यहाँ के कुछ बच्चे मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में वो कंटेंट गलत चला गया और ऐसा नहीं जाना चाहिए था, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको वो डॉलर वाली वीडियो का बुरा लगा हो तो अब मैं कुछ ऐसा ट्राई नहीं करूँगा। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी एक पेट लवर हूँ और डॉलर और मेरे एक बहुत स्पेशल प्यार है, मैं भी उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ।